नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज 2018 जो हो रहा है, जिसके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं कि नोबेल प्राइज 2018 में किन्हें मिलेगा, तो उसके नाम को याद करने की ट्रिक, बिकॉज आप सभी को पता होगा इनके नाम बहुत ही हार्ड होते हैं और जैसे ही इनके नाम अनाउंस हो गए आप समझ लो कि आगे जो भी एग्जाम होंगे आपके 2018 में सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कभी आपसे पूछ लेगा कि भौतिकी के सेंस में किसे मिला, रसायन के सेंस में किसे मिला, इस तरीके से आपको सभी सेंस में पूछ सकते हैं। तो ये सारे नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसके ट्रिक्स से देखेंगे, बिकॉज इनके नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल होते हैं, इनके नाम बहुत ही हार्ड होते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहते हैं उन सारे चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज किन क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल प्राइज आपको कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो आपके 6 क्षेत्र कौन से हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो आपके भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, फिर आपके हो गए चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, साहित्य लिटरेचर, शांति पीस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो हम देख लेते हैं कि इन साल किन किन क्षेत्र में कितने अवार्ड्स दिए गए। तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में आपको 3 अवार्ड दिए गए हैं, केमिस्ट्री में भी 3 और मेडिसिन में 2, साहित्य में 0। इस साल आपको साहित्य में कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया है और पीस के लिए भी आपको 2 और इकोनॉमिक्स के लिए भी 2। तो आपको इसकी ट्रिक भी याद रखने की किन क्षेत्रों में 3 नाम दिए गए हैं, किन क्षेत्रों में 3-3 लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, तो उसके हमारे ट्रिक क्या है। आप सभी को पता होगा कि आपने टेंथ क्लास पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हम जो टेंथ क्लास पढ़ते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो भौतिकी और रसायन पढ़ने होते हैं, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र ये सारे नहीं पढ़ने होते हैं। तो जो टेंथ में सब्जेक्ट्स हैं आपके पढ़ने के, तो उसमें 3-3 क्वेश्चन 3-3 लोगों को मिला है, बाकी में 2-2 को मिला है। बट आपके साहित्य में इस बार नो एनी अवार्ड, कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। बट आपको साहित्य में बिकॉज कोई भी अवार्ड नहीं मिला है, तो इसके 2017 के अवार्ड भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम उस अवार्ड को भी देखेंगे और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे अवार्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा, ये अवार्ड जो है वो किनके द्वारा दिया गया, ये किनके याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबल के याद में दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने डायनामो के आविष्कार किया था। पहले ये अवार्ड जो था आपको 5 क्षेत्र में मिलते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड इकोनॉमिक, पीस एंड लिटरेचर। बाद में ये आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलने लगा 1959 से, उसके पहले ये सिर्फ ये 5 क्षेत्र में मिलते थे। तो चलिए देखते हैं अब इन सभी के नामों को याद रखने की ट्रिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी की। तो भौतिकी में जो अवार्ड मिला है वो किन्हें मिला, तो वो और क्यों मिला, तो वो मिला है लेजर तकनीकी में खोज के लिए मिला है, और किन्हें मिला है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये सारे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनके नाम आपको है ऑथर आस्किन जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, गोराल्ड मोरो यानी जो कि फ्रांस से, और डोना स्ट्रिकलैंड जो कि कनाडा से बिलोंग्स करते हैं। तो ये आपको तीनों नाम आसानी से याद रखने, ये इसके लिए हमें ट्रिक करने होंगे, बिकॉज ये तीनों नाम हमें याद नहीं रख सकते। साथ ही साथ आपको ये जरूर याद रखना है कि 2018 में जो भौतिकी के अवार्ड मिला वो किस लिए मिला, तो आपको ध्यान में रखना है लेजर तकनीक में खोज के लिए मिला। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो इसके ट्रिक है हमारा क्या, तो डोना को देखकर आशिक गिरकर मर गया। डोना एक लड़की है जिसे देखकर आशिक गिरकर मर जाते हैं। तो अब ये डोना हमने जैसा कि आपको बोला एक लड़की है जिसे देखकर आशिक गिरकर मर जाते हैं। तो यहाँ से ट्रिक आपका क्या बन रहा है कि डोना स्ट्रिकलैंड हो गया, डोना से डोना स्ट्रिकलैंड, उसके बाद आप एक बार आशिक में जाओ, तो आशिक से हमारा हो गया ऑथर अस्किन, और गिरकर मर जाते हैं तो गिरकर मर से हो गया गोराल्ड मोरो। तो ये आपको नाम बस एक लाइन याद रखना है कि डोना को देखकर आशिक गिरकर मर जाते हैं, डोना से डोना स्ट्रिकलैंड, आपके आशिक से ऑथर अस्किन, और ये हमारे हो गए गोराल्ड मोरो, गिरकर मर जाते हैं गोराल्ड मोरो हो गया। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में जरूर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करें वैसे भी आप देखो तो भौतिकी में हमारे ये तीनों नाम जो है लेजर तकनीक के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनके कंट्रीज भी आसानी से याद रख सकते हैं, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जो है, आ से आपका है तो अमेरिका और डा है लास्ट में तो कनाडा, और एक आपका फ्रांस है तो यहाँ पे बीच में आपका रा है, इससे इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। तो कंट्रीज आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है किस किस चीज़ के लिए दिया गया और उनके नाम क्या थे। यहाँ से आपको अब हर
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे तो आप कटरी के डोना को देखकर आशिक गिरकर मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो रसायन यानी कि केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी हमारी है सर ग्रेगरी विंटर फ्रेंसिस अर्नोल्ड। आपको इसके ट्रिक क्या है तो सर ग्रेगरी विंटर आपको ध्यान में रखने हैं, सर ग्रेगरी विंटर हैं आपके एक हो गए, दूसरे हमारे हो गए फ्रेंसिस अर्नोल्ड और तीसरे जॉर्ज स्मिथ। इन्हें किस लिए दिया गया इम्पॉर्टेंट ये भी है तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है एंजाइम और एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए। ये तो हो गया कि किस लिए दिया गया है, अब इनके नाम को हम कैसे याद रख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा नाम बहुत हार्ड हार्ड है तो हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो स्मिथ फंस गया विंटर में, पहले का तो हमने बताया कि पहले का था क्या हमारा कि जो एक लड़की थी हमारी डोना उसे देखकर आशिक गिरकर मर जाते हैं। दूसरा है हमारा कि स्मिथ फंस गया विंटर में, तो आपको स्मिथ से तो स्मिथ हो गया, स्मिथ नाम का एक लड़का है जो कि विंटर यानी कि सर्दी में फंस चुका है, तो जॉर्ज स्मिथ हो गया स्मिथ से, फंस से हमारा हो गया फ्रेंसिस अर्नोल्ड और विंटर से तो हमारा हो गया सर ग्रेगरी विंटर। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा स्मिथ फंस गया विंटर में। अब जैसे ही इन तीनों में से कोई भी नाम आपको ऑप्शंस में रहेंगे आप आसानी से मान देंगे, आसानी से आपको हो जाएंगे कि हमने याद किया था स्मिथ फंस गया विंटर में, तो यहाँ से जॉर्ज स्मिथ और फ्रेंसिस अर्नोल्ड और सर ग्रेगरी विंटर। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये किस लिए मिला तो कैंसर के उपचार को विकसित करने के लिए मिला था, कैंसर का जो उपचार है उसे विकसित करने के लिए। तो ये किन्हें मिला तो जेम्स एलिसन को मिला और तासु को होंजे को मिला। अब इसकी ट्रिक हम इसे कैसे याद रखेंगे इन दो नाम को, हमें नाम्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो इसका ट्रिक है जेम्स खाने से एलिसन को हैजा हो गया। जेम्स खाने से एक एलिसन है, एलिसन है, एलिसन एक नाम है जिसे हैजा हो गया है, तो जेम्स खाने से, तो जेम्स खाने से एलिसन को हैजा हो गया तो जेम्स एलिसन हो गया और हैजा से हमारा हो गया तासु को होंजो। तो आपको ये नाम भी आसानी से याद रहेंगे, जो से जापान और एक अमेरिका है। फिर बात की जाए नेक्स्ट है हमारे शांति के लिए, तो शांति के लिए हमने आपको ऊपर ही बताया दो लोगों को मिला, ये आपको शांति के लिए मिला है तो ये किस लिए मिला था कि जो आपको किस लिए मिला है तो ये सबसे पहले नाम देख लेते हो तो डेनिस मुकवेग को मिला और नादिया मुराद को मिला। तो इसका ट्रिक क्या है कि नदियों का वेग देखकर शांति मिलती है, नदियों का जैसे ही हम वेग देखने के लिए बैठ जाते हैं आपको पता होगा हम नदी के पास जैसे ही जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, तो नदियों का वेग देखकर शांति मिलती है, तो नदियों से हमारा हो गया नादिया मुराद और वेग से हो गया हमारा डेनिस मुकवेग और शांति से शांति के लिए मिला। तो ये हमारी हो गई क्या, तो नदियों का वेग देखकर शांति मिलती है डेनिश मुकवेग और नादिया मुराद, एक आपके कांगो से है एक इराक से है। फिर ये हो गया हमारा शांति के लिए। फिर बात करें अर्थशास्त्र के लिए, तो अर्थशास्त्र के लिए किन्हें क्यों मिला है तो ग्लोबल वार्मिंग और आर्थिक विकास के बीच संबंध पर शोध करने के लिए मिला है, और ये किन्हें मिला तो विलियम नारधांस और पॉलीमर उमर को मिला, इन दो लोगों को मिला, दोनों अमेरिका से ही थे। तो अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे तो इनका ट्रिक है हमारा शास्त्र के अनुसार विलियम के पालनहार राम है, शास्त्र आपका जो होता है शास्त्र में लिखा हुआ है कि विलियम जो है उसके पालनहार हमारे भगवान राम है, तो शास्त्र से आपका अर्थशास्त्र हो गया, विलियम से विलियम नारदास हो गया और पालनहार राम से हो गया पॉलीमर उमर। तो ये नाम भी आपको आसानी से याद रख सकता है विलियम नारदास पॉलीमर उमर, शास्त्र के अनुसार विलियम के पालनहार राम है। फिर बात की जाए तो अब बात करें साहित्य के लिए, हमने आपको जैसा कि बोला कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2018 में नहीं दिया जा रहा है तो 2017 में किन्हें दिया जा रहा है तो काजुओ इशिगुरो को दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि जो साहित्य जो हमारे साहित्य लिखते हैं लिटरेचर लिखते हैं उन्हें वो उन्हें गुरु कह सकते हैं, वो हमारे एक तरीके से गुरु होते हैं, तो आपका हो गया ईशी गुरु। साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जो साहित्य लिखते हैं उन्हें साहित्य लिखने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है तो उन्हें काजू खानी पड़ती है, तो काजू हो ईशी गुरु। तो ये सारे थे आपके ट्रिक्स आसानी से याद रखने के लिए। तो ये तो हमारे हो गए, ये हमने जैसा कि आपको बोला आपको फोकस करना है, ये 2017 के लिए मिला है। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन से क्षेत्र में 2018 में अवार्ड नहीं मिला, तो आपको याद रखना है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नहीं मिला है। दूसरा
अब आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र में मिला तो इनके तो हमें नाम याद रखने हैं, और साथ ही साथ किस लिए मिला तो ग्लोबल वार्मिंग और आर्थिक विकास के बीच संबंध पर शोध के लिए मिला, ये सारे चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब शांति, शांति के लिए तो मिला है दो लोगों को, कितने कितने लोगों को मिला अगर आप ये याद रखोगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो शांति के लिए मिला है दो लोगों को, डेनिश मुकवेग और नादिया मुराद को। तो ये किसलिए मिला, तो ये जो आपके अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं यौन शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ जो इन्होंने किया है उसके लिए मिला है, यौन शोषण के खिलाफ होने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये किसे मिला, तो नदियों का वेग देखकर शांति मिलती है आपको, इसका ट्रिक हो गया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये अल्फ्रेड नोबल को के याद में मिलता है, और ये क्यों मिलता है अल्फ्रेड नोबल के याद में मिलता है, तो ये अल्फ्रेड नोबल थे कौन, तो इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था। दूसरा, हमारा नोबल प्राइज कब से दिया जाता है, ये सारे चीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये सारे चीज़ों पर काफ़ी फोकस करने हैं। आपको ये सारे कि किन क्षेत्रों में मिले जाते हैं और किन्हें किन्हें मिले जाते हैं, इनके आपको ट्रिक से याद रखने हैं, और ये ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड